मंदिर का रास्ता कौन सा है? तो बाइक हमने यही खड़ी कर दी है अपनी और बिल्कुल गेट के पास खड़ी की है। तो ये देखिए पहले दर्शन त्रिजुकी नारायण मंदिर के। तो जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने परमिशन लेकर उनसे वीडियो बनाया है। यहाँ पर लोग शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। मुझे लग रहा है कि साउथ इंडियन है भाई लोग। हर महादेव दोस्तों, अभी जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने लास्ट ब्लॉग यहीं से एंड किया था। मैं हूँ अभी सीतापुर JPG पैलेस होटल में। तो हम लोग यहाँ पर आए थे केदारनाथ बाबा की जो सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें आए थे। उसके बाद क्या हमने ब्लॉग दिखाया आपको कि त्रिजुकी नारायण मंदिर था जहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, वहाँ लेकर गए थे हम आपको। अब यहीं से मैं ब्लॉग आगे का स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मध्यमेश्वर के लिए। तो अब का जो ब्लॉग आपको दिखाऊँगा, मैं उसमें दिखाऊँगा कि आप यहाँ से केदारनाथ जी से मध्यमेश्वर कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये यात्रा अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा भोलेनाथ के नाम पे। तो अभी यहाँ से हम जब सामान वगैरह हमारा सारा जा चुका है, ये JPG पैलेस होटल के नाम से है सीतापुर में। रूम हमारा कुछ ऐसा था। तो ये सिर्फ मेरा सामान पड़ा है यहाँ पे अभी रूम में। तो सामान लेते हैं, फटाफट बाइक पे चलते हैं। इस सीजन के लास्ट कस्टमर हम ही है इस होटल के। तो दोस्तों हमारी बाइक के लाइन अप हो चुकी है सारी, ये लग चुकी है। नितिन भाई, विपिन भाई, नीरज और एंकर, अपना चार बाइकों में पांच लोग हैं हम लोग। हम निकल रहे हैं मध्यमेश्वर के लिए, मैं और एंकर, और बाकी ये तीन भाई जा रहे हैं बद्रीनाथ माना, ओखी मठ तक साथ जाएंगे। उसके बाद ये भाई तीन अलग और हम एक बाइक पर अलग। तो चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, भोलेनाथ के जयकारे से शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चलो जी, जय शिव शंभू। तो जी यहाँ से अभी केदारनाथ से मध्यमेश्वर की राइड शुरू हो चुकी है। मीटर में अभी रीडिंग आ रही 735। टाइम हमारा करीब करीब 1:20 पे हम लोग निकल रहे हैं। रांची विलेज देखते हैं कितने टाइम में हम पहुँच पाते हैं। अभी हम लोग हैं फाटा में और सोनप्रयाग से फाटा पड़ता है 14 किलोमीटर और यहाँ से गुप्तकाशी पड़ती है 14 किलोमीटर। तो कुछ कैश शॉर्टेज की वजह से हमने फाटा से ही अपना कैश निकाल लिया है ताकि आगे हमें परेशानी ना हो। तो अभी हम लोग रुके हैं गुप्तकाशी में। मेरे को ट्रैकिंग में शूज़ चेंज करने हैं अपने, ये डिकैथलॉन वाले बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। तो यहाँ से लेते हैं नए शूज़ अपने, क्योंकि मध्यमेश्वर जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वह शूज़ दिखा दो 8 नंबर के, ट्रैकिंग करनी है मुझे, ट्रैकिंग के पर्पज़ से दिखा दो कोई भी। तो भाई हो गई अपनी शॉपिंग, एक जोड़ी जूते ले लिए ट्रैकिंग के लिए और एक हवाई चप्पल। चल भाई। तो गुप्त काशी से कर ली गई अपनी शॉपिंग। तो अब आ गए हैं हम कुंड, यही वो जगह है जहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता अलग होता है, यही वो पुल है। तो यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग और दिल्ली ऋषिकेश होते हुए, और यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे आप, अगर आप केदारनाथ से आ रहे हैं तो लेफ्ट जाएंगे तो चोपटा, कोपेश्वर, जोशीमठ, बद्रीनाथ और ये यहाँ से आपका मध्यमेश्वर, ये सब निकल जाएगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ से सीधा निकल जाना है इस कुंड वाले रास्ते से। चलो, बोलो जय मध्यमेश्वर की जय, हर हर महादेव, जय बोलेगी। अब ये वाला रूट जो है ये मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं उस रूट पे जा चुका हूँ। आपने अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मैं 2 बार उस पे हो आया हूँ, एक बार लास्ट मंथ गया था और एक अभी गया था कल परसों में, 25 तारीख को मैं पहुँच गया था वहाँ पर। लेकिन इस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ पहली बार। बाकी रास्ता छोटा है लेकिन अच्छा मेंटेन है, सुंदर रास्ता है बहुत ज़्यादा ये। अब ये जो कुंड से इधर से जो ये देखिए अभी बच गया वो अपनी मस्ती में चल रहा है, वो बचाव हो गया, नहीं तो सीधा अभी हमसे ही टकरा जाता वो। क्या गजब रास्ता है ये, पहाड़ पूरा ऊपर है हमारे, यही है रास्ता। हाँ हमें इधर निकलना है। ओके,
मिलते हैं फिर है? ओके सर, मिलते हैं फिर है? ओके, हम इधर निकलेंगे। ओके बाय। तो दोस्तों ये है यहाँ से अब मध्यमेश्वर का रास्ता। कुंड से लगभग 10 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये कट दिखाई देगा। यहाँ से मध्यमेश्वर की दूरी दिखा रहा है 40 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर ये गेट भी है, इधर मध्यमेश्वर प्रवेश द्वार। तो जैसे ही आप कुंड से 10 किलोमीटर इधर आएंगे उसके बाद आपको ये गेट यहाँ से दिखाई देगा लेफ्ट में। तो चले बोलो मध्यमेश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव जय बोलेगी। ये रूट अब मेरे लिए नहीं आया, अब यहाँ से हमें जाना है राशि विलेज है भाई। आज का स्टे हमारा होने वाला है राशि विलेज में। तो ये अभी आगे हम लोग फाफंज विलेज है उसे क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर रास्ते थोड़े से ख़राब ही हैं, पीछे तो और ज़्यादा ख़राब थे, अभी तो थोड़े ठीक भी दिखाई दे रहे हैं। रोड छोटे हैं, कच्चे हैं थोड़े से, ब्यूटी नेचुरल है यहाँ पे, अनटच जगह लग रही है मुझे ये, क्योंकि ज़्यादा कमर्शलाइज एक्टिविटीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। बहुत ही कम लोग आ जा रहे हैं इस रोड से। दिखा रहा है मध्यमेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर और रांची है 17, मनसूना है 3 किलोमीटर। बाकी भाई हालत तो रोड की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से आप देख ही सकते हो। तो ये हम पहुंच चुके हैं मनसूना, जो पीछे बोर्ड से 3 किलोमीटर दिखा रहा था। पीछे रोड पे तो कुछ भी दिखाई नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन ये जगह देख के लग रहा है काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छा गांव है, बड़ा गांव है मनसूना। नहीं गांव अच्छा है, बड़ा है और अच्छी मार्केट है। मुझे पीछे तो लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं आगे। अरे भैया ऐसा कैसे चलेगा भैया। चलो चलो, और लगी लगी लगी, बच गई बच गई। अरे बचा दी, एक्सपर्ट है भाई ड्राइवर। ऐसा कैसे चलेगा भैया। हेलो बच्चों, हेलो हेलो, भागो भागो। वो इंद्रधनुष दिखा तेरे को। इंद्रधनुष दिख गया। तो अभी हमने क्रॉस किया बुरुआ विलेज और रांची अब रह गया है 12 किलोमीटर, राउलेक 6 किलोमीटर और मध्यमेश्वर जी रह गए हैं 30 किलोमीटर। रास्ता तो बिल्कुल रो है यार, ये है ना, किस में से निकालूं बता, इसमें बीच में से या इधर से, इधर से निकालू ना। ठीक है। अरे 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 निकल गई। अच्छा ओ छिपकली भाई, यहाँ छिपकलियाँ बहुत मिलेंगी, पहाड़ी छिपकलियाँ बहुत मिलेंगी। टेंडुआ चाहिए तेरे को? वहाँ पे तेंदुआ आ गया तो फिर हमारा गेंदुआ बना देगा वो भाई। रास्ता तो बड़ा डेंजरस है, नाइट के लायक तो नहीं है ये। नाइट में तो आने का मतलब ही नहीं होता यहाँ पे इस रास्ते पे, बिल्कुल ही डेंजरस सा रास्ता है नाइट के लिए तो। और 90% ऑफ रोडिंग है ये, 90%। बीच में थोड़े बहुत पैच मिले हो सही तो मिले हो, नहीं तो 90% ऑफ रोडिंग है, टूटे फूटे रोड है। ऐसा थोड़ा बहुत मिल जाए रोड तो मस्त है, हाईवे रोड है यहाँ के लिए।
वरना जो पीछे देखा आपने वैसे रोड है सारा टोटल, वो देखिए वहाँ भी नीचे वैसा ही है, बस ऐसे ही रोड है पूरा। वहाँ जाना है नीचे हमें ब्रिज पे ना, वहाँ से क्रॉस करना है हमें। भाई पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर पांव सीधे करने के लिए रुके हैं क्योंकि कल ही हमने केदारनाथ से उतरे थे और हमारी हालत और रुखी है ख़राब। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं जुगासू में और ये है जुगासू ब्रिज, और ये जो आप नीचे नदी देख पा रहे होंगे ये है मध्यमेश्वर गंगा जिसे मधुगंगा भी कहते हैं, और यहाँ से आगे कुछ किलोमीटर आगे बंतोली एक जगह है जहाँ पर दो नदियों के संगम से ये मधुगंगा बनती है, एक है सरस्वती गंगा और एक है मोरखंडा गंगा, तो उनके संगम के बाद ये नदी कहलाती है मध्यमेश्वर गंगा या मधुगंगा भी कहलाती है। तो अब चल रहे हैं आगे अपने डेस्टिनेशन रांची विलेज पे, रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है यहाँ पे। अरे क्या करके मानोगी, रास्ते रह गया 7 किलोमीटर, उनियाना 5 आ गया राउलेक। अब यहाँ से 3-1 किलोमीटर रह गया होगा। भाई साहब घोड़े संभालो, चलो चलो भाई भाई घोड़ा भी रख जाता क्या करते हमने इसे रोक लिया आराम से, क्यों मैं कहा घोड़ा भी रख जाता क्या करते हम, इसलिए रोक दी हमने बाइक अपनी। जब से मुखी मठ से निकले हैं वहाँ से आए कट से मध्यमेश्वर द्वार से, मध्यमेश्वर द्वार से एक गाड़ी दिखी है ये हरियाणा नंबर की, वरना एक गाड़ी नहीं दिखी है मैं बाहर की, वैसे तो गाड़ी नहीं दिखी है मैं यहाँ पे, एक आधी गाड़ी कोई दिखी हो तो दिखी हो। गोंडा 7 किलोमीटर, रांची 1 और मध्यमेश्वर मंदिर है 19। गोंडा कितना लिखा था, 7 किलोमीटर, तो रास्ते तो आ ही गया समझ ले, 1 किलोमीटर है। तो जी हम पहुंच गए हैं रांची विलेज और हम रुके हैं यहाँ राणा होम स्टे में, ठीक है हैं, हाँ राणा होम स्टे। चलो भाई ऊपर चलते हैं। ये है आज का अपना आशियाना, बढ़िया पाथर वाथर इधर है, और ये हमें मिला है कुल 400 रुपये का, और वहाँ से कल करेंगे हम ट्रैक की शुरुआत मध्यमेश्वर जी की। दोस्तों खाना वाना आज का हमारा सब यही है क्योंकि यहाँ होटल नहीं है, जहाँ पर हम रुके हैं राणा गेस्ट हाउस में यहीं पे हम लोकल खाना आज ट्राई करने वाले हैं, तो खाने के लिए बोल दिया उन्होंने, तो चल रहे हैं बस नीचे और देखते हैं कि खाने में आज हमें यहाँ लोकल में क्या मिलता है। तो जी हम आ गए खाना खाने के लिए, ये है आज का खाना। तो अंकल क्या खिला रहे हो आज, मनवा की रोटी, अच्छा और लोकल सब्जी, लोकल दाल। क्या क्या है सब्जी, है सब्जी जो है लोकल बीन्स होती है, जो बीन्स पहाड़ में होती है, ये प्लेन्स में नहीं होती है। अच्छा, और इसके साथ जो है मीठा करेला मिक्स है, और ये सब्जी हम इन लोगों को खिला रहे हैं। अब मनवा मिक्स करके आटा मनवा की रोटी खिला रहे हैं। अच्छा, और दाल, ये रही हरी मिर्च। तो ये लोकल मनवा आटा होता है, क्या होता है ये मनवा आटा होता है, मनवा अनाज है, मनवा जैसे प्लेन्स में ज्वार और बाजरा होता है, ऐसे ही पहाड़ों में जो है चौलाई जिसको रामदाना भी कहते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में, उसको मरचा भी बोलते हैं। अच्छा। और ये मनवा दूसरी बार जिसकी आजकल प्लान तक बहुत बड़ी हैबिट ले रहे हैं लोग, कह रहे हैं मनवा कहाँ है, लाओ मनवा। चलो ट्राई करते हैं, ये चीज है, ये ट्राई करते हैं। हाँ।
देखते हैं जी जी। ये पहले राजमा ट्राई करते हैं, बढ़िया। तो दोस्तों खाना वाना खा के आ चुके हैं और मज़ेदार नाश्ता मतलब खाना था, लोकल फूड मिल गया, ऐसे बढ़िया बात ही कहती। बाकी पैरों की वाट लगी पड़ी है। और अगर आप लोगों ने ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो जय भोले की बोल के सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको आगे की जो मेरी वीडियोस वगैरह उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यमेश्वर का ट्रैक, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो तो बन गया है शायद। तो जय भोले की, हर हर महादेव।